इंडिया में पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें काफी तेजी से बढ़ गई, जितने की विकास नहीं हुआ उतना तो पेट्रोल और डीजल का विकास हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इतना बड़ा जो चेंज है उससे जो मार्केट है ऑटोमोबाइल मार्केट वो काफी बदल गया है और अब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ गई है। वो कई टू व्हीलर और फोर व्हीलर कंपनी नए नए डिजाइन और ऑफर के साथ इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर और कार भी इनके साथ लॉन्च कर रही है। भारत में जो बेस्ट सेलिंग बाइक कंपनी है मतलब हीरो, इसकी जो स्प्लेंडर है इसके लिए भी अब इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट आ गई है। ये इन्फॉर्मेशन सुन के बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली होगी कि हाँ चलो अब स्प्लेंडर के लिए भी आ गई तो हम अपनी बाइक में लगवा सकते हैं। तो जिनके पास हीरो स्प्लेंडर है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और पेट्रोल खर्चे भी बचाना चाहते हैं तो अब उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ गया है इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट जिनका आप लगा सकते हो। और आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम लोग अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हमें RTO से अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, या RTO में अप्रूव करानी होगी या नहीं करानी होगी। तो मैं ये बता दूं कि इस किट का इस्तेमाल करने के लिए RTO ने अपनी परमिशन दे रखी है, मतलब जो ये किट आप लगाओगे तो RTO से अप्रूव्ड है ये। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि करानी है नहीं करानी, कंपनी जिसके थ्रू आप लगाओगे वो पहले ही आपको करा के देगी RTO से अप्रूव्ड। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये किट कौन सी कंपनी बना रही है, कितने की हमें पड़ेगी, कितनी ड्राइविंग रेंज होगी, फलाना ढिमकाना, जैसे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में। तो इस वीडियो को कोई एंड तक देखना, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा कि कितने की है, कितनी ड्राइविंग रेंज है, कौन सी कंपनी है, सारी डिटेल में बात करूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हीरो स्प्लेंडर की जो कन्वर्जन किट है ये महाराष्ट्र के थाने में बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है गोगोवा वन, उसने ये लॉन्च किया है स्प्लेंडर के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। इसकी जो प्राइस उन्होंने रखी है वो 35,000 रुपये रखी है और अगर आप लोग इसको बिल पे लेते हो तो आपको 6,300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे GST के लिए, गुड एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में। और इसके साथ ही अगर आप लोग ये लगाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको बैटरी की जो प्राइस है वो भी अलग से देनी होगी। सब कुछ मिला के हीरो स्प्लेंडर की जो कन्वर्जन किट है आपको 95,000 रुपये की पड़ेगी। इसके बाद अगर आप लोग हीरो स्प्लेंडर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आपके पास नहीं है, आप नहीं खरीदोगे तो उसका खर्चा अलग है, और अगर पहले से है तो वो आप डिडक्ट कर सकते हो। ऐसे में अगर हम इलेक्ट्रिक किट लगाने के बाद नई हीरो स्प्लेंडर की कीमत देखें तो उसकी कीमत काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी, एक मतलब एनफील्ड के बराबर हो जाएगी ओल्ड मॉडल के हिसाब से। इस इलेक्ट्रिक किट पर 3 साल की आपको वारंटी दे रही है कंपनी अपनी तरफ से। अगर 3 साल में कुछ भी खराबी आती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेगी या रिपेयर करके देगी आपको। गोगोवा वन स्टार्टअप कंपनी जो है उसके मुताबिक ये कन्वर्जन किट जो आप अपनी स्प्लेंडर में लगाओगे उसके बाद 151 किलोमीटर की ड्राइविंग नहीं देगी एक सिंगल चार्ज पे। तो ये तो आपको डिटेल पता चल गई कि कितने की आपको पड़ रही है, कौन सी कंपनी बना रही है और कहाँ की बेस्ड है, वो कितने की आपको पड़ेगी टोटली, वो कितनी ड्राइविंग रेंज देगी, वो सब आपको पता चल गया। वो वैसे भी इंडिया में जितनी पॉपुलर कंपनी है टू व्हीलर कंपनी वो अभी तक अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च नहीं कर रही है। ऐसे में जितने लोग जो पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर परेशान है उनके लिए ये स्टार्टअप कंपनी मतलब गोगोवा वन एक बेहतर ऑप्शन बन के सामने आई है कि हाँ चलो ये लगा लो, टेंशन से फ्री हो जाओ, मतलब पेट्रोल की टेंशन से फ्री हो जाओ। आने वाला जो समय है मतलब 2022-23 के बाद का समय बता रहा हूँ मैं, उसमें हीरो बजाज यामा होंडा जैसे कई सारे टू व्हीलर कंपनी जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने वाली हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई डिटेल चाहिए तो आपको मेरे चैनल में बने रहना पड़ेगा। फिलहाल इंडिया में जो इलेक्ट्रिक बाइक बिक रही है वो रिवॉल्ट कंपनी की बिक रही है, उसके साथ साथ छोटी बहुत सारी कंपनी जिनके इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह बिक रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली ओला है, ओला तो खैर काफ़ी बड़ा हो गया, इसके साथ ही जैसे ओकिनावा हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप कंपनी हैं और जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी अपने स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है तो मोटा मोटा आपको 1,00,000 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे बाइक की कॉस्ट के अलावा, मतलब सब मिला जुला के। बाकी अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या अगर आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।